दोस्तों, किसी ने कमेंट दिया हुआ है कि ढोलक के और भी जो कहरवा के प्रकार हैं वो बताइए। कहरवा के बहुत सारे प्रकार हैं, आपको कुछ प्रकार हम दे रहे हैं, इसको आप तैयार करेंगे, उसके बाद आगे वाले और आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। रेडी? पहले आपको बताया था धीति धाती नागे धीन, फिर धीति बदलने के लिए पहले हमें तिरकिट सीखना पड़ेगा, क्योंकि तिरकिट के द्वारा ही इनका समावेश करते हैं। तो पहले आप देखेंगे कि तिरकिट कैसे बजेगा, आइए देखते हैं। दाहिने साइड में तीन अंगुलियों को एक साथ ती, फिर एक अंगुली बीच में र, तो आप देख रहे हैं ती र, और दूसरे साइड में की, और फिर इस साइड में ट, तो आप देख सकते हैं कि इसके जगह पर मैं इसको यूज करूंगा। आप देखेंगे कि इस साइड में टी र की, वह आप इधर यूज करेंगे की और ट, इस तरह से टी र की ट, तो वही चीज इधर लगाएंगे टी र की ट। तो पहले हमें तिरकिट का अभ्यास करना है कि धा धा तो पहले धाधा तिरकिट का अभ्यास करेंगे, क्योंकि तिरकिट के बिना कहरवा या कोई भी ताल संभव नहीं है। तो पहले हम अभ्यास करेंगे कि धा धा वही नाल पर धा धा, तो तिरकिट का अभ्यास कर लेंगे, उसके बाद देखिए कैसे होता है। तो धीति धाती ना के धीन ना धीति धाती ना के धीन ना तक तिरकिट तक तिरकिट तक तिरकिट ऐसे लगाएंगे तक तो धाधी धातीन तातीन धाधीन ये बजाना है। फिर वही आ जाएगा धाती 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 धाती, फिर वही आ जाएंगे। इसके बहुत सारे प्रकार हैं, बजा के दिखा दे रहे हैं, लेकिन लेसन वाइज आपको मिलेगा, बजा के दिखा दे रहे हैं, लेकिन आप वीडियो में एक एक चीज लेसन वाइज आप पाएंगे। जैसे एक प्रकार चैप्टर वाइज वीडियो में मिलते रहेंगे, इसको आप अभ्यास करेंगे, एक एक करके आप अभ्यास करते कर सकते हैं। एक साथ मैं चाहे जितने भी वीडियोज डाल दूं, आप तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बोल को अभ्यास करने के लिए महीनों लग जाएंगे। थैंक यू एंड हैव नाइस डे।